विश्व में फैली महामारी के चलते कोरोना वायरस को खत्म करने के उद्देश्य से प्रयाग तट पर हवन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित यश जोशी ने बताया कि आज शुभ नक्षत्र में यह अखंड अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। इसमें शांति पाठ प्रारंभ कर वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी गई। सर्वप्रथम अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अरविंद उपाध्याय, ब्रह्मानंद दीक्षित, चक्रवर्ती जोशी, आशीष त्रिवेदी, मनोज उपाध्याय, सुबोध जोशी, वेद प्रकाश त्रिवेदी, गया धाम से पधारे पंकज त्रिपाठी, शुभम उपाध्याय, संतोष गुरु, तलवार वाले मोहन गुरु, आनंद गुरु, लोटा वाले शिव भट्ट सहित तीर्थ पुरोहित व समाजजन उपस्थित हुए। हवन पंडित गौरव उपाध्याय ने संपन्न कराया। राम घाट पर आज राम घाट तीर्थ पुरोहित महासभा और यहाँ तीर्थ पुरोहित इकाई द्वारा कोरोना का जो वायरस पूरे विश्व की जो महामारी फैली हुई है उसको निदान के लिए और यह बीमारी महामारी के रूप में न फैले, इसलिए यह रामघाट क्षिप्रा तीर्थ के किनारे आज सब तीर्थ पुरोहित मिलकर सामूहिक रूप से और क्रमबद्ध रूप से आज ब्राह्मण समाज का यह नंबर है और संख्यात्मक दृष्टि से भी जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि लोग ज़्यादा एकत्रित न हों, केवल प्रतीकात्मक स्वरूप से यह हवन पूजन हो, तो आज ब्राह्मण समाज इस दृष्टि से आज शुरुआत कर रहा है। कल अगले क्रम में अगले समाज के लिए आएगी, ऐसी कंटिन्यू अभी 10 दिन तक हवन करके और भगवान से और माँ क्षिप्रा से, भगवान महाकाल से ये कामना करेंगे